दोस्तों एक बार एक गुरुजी ने अपने शिष्यों की परीक्षा लेने के लिए उन्हें बुलाया और उसके बाद उन्होंने अपनी कुटिया के बाहर पड़ी हुई कई सारी टोकरियों की ओर इशारा किया और सभी शिष्यों से बोला कि ये टोकरियाँ उठाइए और पास ही जो नदी है उस नदी से पानी भरकर ले आइए। इस पर सभी शिष्यों ने गौर से देखा, टोकरियों को उठाया और टोकरी देख करके वो हंसने लगे, बोले इसमें पानी कैसे आएगा। खैर गुरु जी की आज्ञा को मानते हुए सभी शिष्य नदी की ओर चल पड़े और नदी में वो चलते चलते जब नदी में अंदर घुस गए उसके बाद सभी ने उसमें पानी भरना शुरू कर दिया। मगर ये क्या, जैसे ही वो शिष्य पानी भर रहे थे वैसे ही पानी उन टोकरियों से छन जा रहा था और इस प्रकार से कई बार प्रयास किया शिष्यों ने और जब उसमें पानी नहीं रुका तो सारे शिष्य लगभग चलने लगे अपने कुटिया की ओर और जाकर के कुटिया में पहुंचकर वो जो टोकरी थी वो कुटिया के बाहर रख दी और अपने गुरुजी के आने का इंतज़ार करने लगे। मगर उनमें से एक शिष्य ऐसा था जो अभी भी वहाँ पर वापस नहीं आया था। वो सुबह से लेकर के और शाम हो चुकी थी, वो अभी भी उसी नदी में बार बार पानी भरता, बार बार पानी छन जाता, बार बार पानी भरता, बार बार पानी छन जाता। वो शाम तक लगातार प्रयास करता रहा और शाम तक लगातार प्रयास करते रहने के कारण वो टोकरियां पानी में भीग के उन टोकरियों के बीच में जो गैप था ये वाला गैप ऑस्मोसिस के जरिए कह सकते हैं कि फूल गया, ये जो बांस था वो फूल गया जिसकी वजह से वो गैप भर गया और शाम को उन टोकरियों में पानी भरने लगा। इस प्रकार के बोसिस से अपनी वाली टोकरी में पानी भर करके और कुटिया तक ले आया। इस प्रकार जब गुरुजी ने देखा तो वो बहुत अधिक प्रसन्न हुए और उन सभी छात्रों को उन्होंने बताया कि देखिए आप सभी लोग इस परीक्षा में फेल हो गए और ये अकेला पास हो गया। कारण उसका सिर्फ एक ही था, क्योंकि उसने सबसे पहली चीज़ अपने गुरुजी की बात पर भरोसा किया था। तो इसीलिए दोस्तों सफलता के लिए पहली चीज़ ज़रूरी होती है कि जिसे भी आप अपना गुरु बनाएं उस पर विश्वास जरूर करें। दूसरी चीज़ कि आप लगातार प्रयास करते रहें, मेहनत करते रहना बहुत ज़रूरी है, कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी होती है। तो दोस्तों इस तरीके से किसी भी सफलता को पाने के लिए आप लोगों को अपने गुरु पर विश्वास होना और मेहनत करना और लगातार मेहनत करना बहुत ज़रूरी होता है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू।